तो भाई आज हम आपको एक ऐसी जगह लेके आए हैं बनारस में जो कि फेमस है अपने हिलडुल पान के लिए। और ये बनाते हैं भाई साहब हिलडुल पान, इनका जो तरीका है बनाने का वो बहुत ज़बरदस्त है, एकदम हिलते हुए पान बनाते हैं ये ज़बरदस्त। तो सीधा इस तरीके से आपका स्टाइल कब से बना हुआ है? ये हम लोग को ब्लड में आ गया है, खून में आ गया हिलना, क्या बात है। तो जी मेरे को बताएं आप क्या कौन सा पान मशहूर है? वो मगही पत्ता होता है। मगही पत्ता? हाँ, वो नवंबर दिसंबर में करीब आता है। अच्छा, अप्रैल तक करीब करीब करता है। अच्छा, कुछ महीने के लिए ही आता है। हाँ, तो फिर ये इसको स्टोर करके रखते हैं? स्टोर करके रखते हैं, तब ये हम लोग फिर इसको अक्टूबर नवंबर तक चलता है। अरे पान की खासियत होती है, हाँ जी, पान का पत्ता छोटा होता जाता है, छोटा होता जाता है और दाम बड़ा होता जाता है। अरे जितना टाइम पुराना होता है छोटा पुराना होता जाए। जब पान बनाते हो जब ही हिलते हो वैसे नॉर्मल हो? क्या बात है, जबरदस्त। ये है ओरिजिनल बनारसी पत्ता, इसको मगही बोला जाता है। मगही? मगही, क्या बात है। तो भाई बनारसी पान जो है ओरिजिनल बनारस में ही मिलेगा, ये पान को कमाने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, मुँह में डालेंगे और मुँह की गर्मी दीजिए। हाँ, धीरे 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 आपका कप अंदर चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा मुँह की गर्मी से। पत्ते की खासियत होती है ये पट्टा भी और पतला होगा, अगर इस पट्टे को न्यूज पेपर पढ़ना चाहते हैं तो इस पट्टे के ऊपर से आप न्यूज पेपर पर रख देंगे। हाँ जी, न्यूज पेपर पढ़ लेंगे आप। इस पत्ते इतना पतला हो जाएगा कि न्यूज पेपर भी पढ़ सकते हैं, क्या बात है यार, गजब का पत्ता है, मगही पत्ता बोलते हैं इसे। तो भाई हम हैं इस टाइम बनारस में दीपक जी के यहाँ जो कि बनाते हैं हिलडुल पान, और ये जो पत्ता है ये बनारस में ही मिलता है स्पेशल और कुछ ही टाइम के लिए। और जैसे जैसे इस पत्ते को टाइम होता जाता है ये महंगा होता जाता है। ये देखिए भाई क्या स्टाइल है इनका ज़बरदस्त, इसीलिए बनारस में मशहूर भी हैं हिलडुल पान के नाम से, क्योंकि इनका जो बनाने का जो तरीका है, जो बनाने की जो रिदम है ऐसे ही हो गई है और यही इनका स्टाइल बन चुका है। ये देखिए भाई ये आ गया जी शहद। अच्छा ये गुलकंद, शहद वाला गुलकंद, ये शहद और केसर, कलर और केसर, शहद, शहद और केसर, क्या बात है भाई, पान बढ़िया सा तैयार हो रहा है। और ये क्या? केवड़ा। केवड़ा, अब ये क्या डाला आपने? ये केसर भस्म। केसर भस्म, अरे वाह, बड़ी महंगी महंगी चीजें डाल रहे हो इसमें आप। देखो रस निकलना चालू हो गया, आपको रस दिख रहा होगा, क्या हाँ बात है। बहुत ही मजेदार, बहुत ही जबरदस्त पान है और इन भाई साहब ने बनाया है ये पान, मगही पान है ये, मगही मगही पान, मजा आ गया भाई खा के। एड्रेस बता दो एक बार। 5/54 बनारस में विश्वनाथ गली में बनारस में, जब भी आए तो इनका पान जरूर ट्राई करना, मज़ेदार है, ज़बरदस्त है। और जैसा इन्होंने बताया था ना, मुंह में जाते ही घुल जाएगा भाई, ये घुलना शुरू भी हो चुका है।